हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जीपी व्हाट्सएप में ऑटो मैसेज कैसे भेजें या फिर यू कह लें कि ऑटो रिप्लाई कैसे करते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले जीपी व्हाट्सएप ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद यहां पर सबसे ऊपर कोने में आपको ट्रिपल डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएंगे तो ये दिख लेंगे, यहाँ पर ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है ना। अब इसको हमको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कोने में यहाँ प्लस आइकन यानी फ्लोटिंग बॉल फ्लोटिंग बटन आपको दिख रहा है नीचे कोने में, ठीक है ना। इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सही से समझिए क्या क्या कैसे करना है। यहाँ पर पहला आपको तीन चीज़ देखने को मिलता है, ठीक है। अगर इस पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है, तो इसमें आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि बंदा आगे वाला बंदा क्या पूछेगा तो उसके साथ क्या रिप्लाई जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये कह रहा है योर टेक्स्ट हियर विल बी एंसर्ड, ठीक है। अगर मान लीजिए आगे वाला बंदा हमसे पूछा कि वेयर आर यू, ठीक है ना, वेयर आर यू, ठीक है ना। अगर ये बंदा पूछ लिया तो इसके अवैज में आपका क्या जवाब होना चाहिए उसको लिखने के लिए आपको यहां पर इस वाले सेक्शन में लिखना होगा। जैसे मान लीजिए होम, ठीक है ना, सिंपल शॉर्ट लिख दिया होम। अगर आपको इस तरह से ऑटो रिप्लाई करना है कि कोई बंदा पूछे कि वेयर आर यू, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया कोई आपसे, तो आपकी तरफ से आपका क्या रिप्लाई जाना चाहिए वो ऑटो रिप्लाई में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अधिकतर लोग ये चीज़ नहीं करते हैं, वो लोग सिंपल ही रखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग रिप्लाई टू ऑल मैसेज पे रखते हैं, ठीक है। कोई भी लोग मैसेज करेगा तो हमको हमारी तरफ से क्या मैसेज जाना चाहिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक मिनट। हाँ तो दोस्तों, मैंने कॉपी टेक्स्ट कॉपी किया है जो मेरा ये था, ठीक है। तो अगर कोई भी मैसेज मुझे करता है तो ये जाएगा मैसेज, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मिनी टेजी, प्लीज़ टेल अस नो हाउ कैन वी कैन हेल्प यू। तो ये मेरा कुछ टेक्स्ट है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप जो आपके दिल में जो हो या फिर आप जो लिखना चाहते हैं कि जब भी कोई आपको मैसेज करे तो आपकी तरफ से क्या रिप्लाई जाना चाहिए, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आता है डिले मैसेज, ठीक है, इन सेकेंड, यानी बंदा आगे वाला बंदा जो आपको मैसेज करता है वो मैसेज हमको मिलने के कितने सेकेंड के बाद आपकी तरफ से मैसेज जाना चाहिए। तो इतना बड़ा टेक्स्ट है तो मुझे कम से कम 15 सेकेंड के बाद ही मुझे ये मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट बड़ा है तो लिखने में टाइम लगेगा, तो बंदे को मालूम ना चलना चाहिए कि ये ऑटो रिप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ दे रहा है रिसीवर, ठीक है, ये मैसेज किसको किसको भेजना है। तो यहाँ पर ये चीज़ दो ऑप्शन दे रहा है, एक ग्रुप में है, एक कॉन्टेक्ट में। तो ग्रुप में अगर कोई मैसेज करता है तो अगर आप बॉट पर रखते हैं तो ग्रुप में जितने मैसेज आएंगे उसके साथ ये जाएगा, थैंक यू कनेक्ट, ऐसे करके मैसेज जाएगा। ये जो मैसेज ऑटो रिप्लाई सेलेक्ट किए हैं वो ग्रुप में कोई भी चैट करेगा तब ये मैसेज आता रहेगा। इसके लिए हमने कॉन्टेक्ट सेलेक्ट करते हैं, देन इसके बाद ये देता है स्पेसिफिक टाइमिंग, ठीक है ना। आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि ये मैसेज कितने बजे से कितने बजे के बीच में जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कई ऐसा टाइम होता है जिस समय हम लोग फ्री नहीं रहते हैं, सपोज दैट हम लोग सोने के समय, जैसे सुबह रात को हम 12 बजे सो जाते हैं, तो मैं यहाँ पर टाइम लगता हूँ 12 AM से और 10 AM तक, 10 नहीं वैसे मैं 8 AM लिख देता हूँ, 8 AM तक अगर इस बीच में कोई भी मुझे मैसेज करता है तो उनके पास ये टेक्स्ट जाएगा, क्योंकि भाई इस समय तो मैं खाली रहूँगा नहीं, मैं उनका रिप्लाई नहीं कर सकता, और इसके लिए ये टाइमिंग दिया है। अगर आपका कोई अदर टाइम है जिस समय आप बिजी रहते हैं या फिर बिजी रहने वाले हैं, उस समय के लिए आप स्पेसिफिक टाइमिंग दे देंगे और आसानी से वो चीज़ होगा, ठीक है। बस ये सब सेटिंग करने के बाद आपको बस यहाँ पर वो नीचे कोने में सही के निशान पे क्लिक कर देना है और इस तरह से ये मैसेज तैयार हो गया है, ठीक। अब जब भी कोई रात के 12 बजे से सुबह 10-8 बजे तक मुझे कोई मैसेज करेगा और वो कॉन्टेक्ट लिस्ट में होगा तो उसके सामने ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है वो जाएगा। इसी तरह आप और भी बहुत सारे यहाँ बना सकते हैं, ठीक है ना, और चाहें तो और भी बना सकते हैं, तो अभी के लिए मैं एक ही बनाता हूँ। अब मान लीजिए आपको कि ये जो टेक्स है उसको अब मुझे बंद रखना है कि अब मैं फ्री हूँ, अब मैं मैसेज कर सकता हूँ, तो इसके लिए यहाँ पर ये दिया है सिंपल सिस्टम, यहाँ पर इसको हमको इनेबल कर देना है। अब ये मैसेज नहीं जाएगा, ऑटो रिप्लाई नहीं होगा। अब अगर चाहें तो आप इसको डिलीट भी करना, तो यहाँ पर डिलीट का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, ये डिलीट का ऑप्शन दे रहा है।
यहाँ से आपको डिलीट भी कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। अगर आप चाहें इसको एडिट करना तो यहाँ एडिट करके आप कुछ और मैसेज लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर एडिट पे क्लिक करके अगर यहाँ पर कुछ और मैसेज लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और फाइनली आप इस तरह से आप किसी भी को ग्रुप में हो या फिर कॉन्टेक्ट लिस्ट को, ठीक है, या फिर आप चाहें तो क्वेश्चन के हिसाब से भी मैसेज भी आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरह फाइनली आप ऑटो रिप्लाई या फिर ऑटो मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो दैट सी टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।